₹14 की बाइंडिंग होती है, और यही यही चीज़ बाज़ार वाले जो हैं वो ₹30 भी ले रहे हैं, ₹40 भी एक किताब का ले रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर यही है कि आप घर में लाएं टेप और घर में लाएं ये शीट्स और ख़ुद बच्चों की किताबें बाइंडिंग करें। आज मैं आपको बताने लगी हूँ बुक्स बाइंडिंग का। ये है मेरी बुक्स, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बुक्स कैसे बाइंड करनी है अभी मैं आपको सब कुछ बताऊँ। बुक्स बाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और बाबा बताएंगे। जी, बुक्स बाइंडिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले ये हमारा स्टेपलर, ये बड़े साइज़ का है, और उसके बाद ये टेप, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखें, ये वाली टेप है, टेप बाइंडिंग इसे कहते हैं, और बाइंडिंग टेप, और ये सीज़र एक छोटी सी रिक्वायर्ड है, और ये शीट होगी जो इसके जो हमने बुक के ऊपर लगानी है। ये तीन चीज़ें हैं ज़्यादा ज़रूरी, शीट, टेप और ये स्टेपल लगाने के लिए स्टेपलर। इस बच्चे का रिमूवल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोहम्मद हानी साहब जो है ना, ये अटैक कर चुके हैं, कान में हमारे काम में भंग डाल रहे हैं। मोहम्मद हानी साहब चले आप पीछे चले। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये शीट्स मुख्तलिफ शक्ल में मिलती है, मुख्तलिफ कलर्स में मिलती हैं, ये ब्लू है, वाइट है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, मुख्तलिफ किस्म की है, लेकिन बच्चों को ये ब्लू कलर की पसंद आ रही थी, तो इसलिए कि मैं ब्लू कलर लेके आया हूँ। इजी अवेलेबल है, हर बुक शॉप में मिल जाती हैं इजी, और इतने मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ी है इसकी, और जो दुकानदार हैं वो कितने का ये बाइंडिंग करके देते हैं। जी अभी मैं आए जी। अच्छा अरफा, अपनी बुक्स दिखाएँ पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं पढ़ी में। अच्छा, एक हुकूमत का काम ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है आगे करें। ये देखें, गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा काम किया, ये अच्छा ये देखें, ये हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त ये काम किया है कि वन करिकुलर जो है फॉर ऑल पंजाब, करिकुलर फॉर ऑल स्कूल्स गवर्नमेंट और प्राइवेट, तमाम स्कूल में एक जैसा ही सिलेबस लगेगा। पहले इसके स्कूल में, जिस स्कूल में ये इसको हमने एडमिशन दिया लेके दिया है, वहाँ पर ऑक्सफोर्ड की बुक्स ज़्यादा चल रही थी, और बाकी स्कूल्स में ये पंजाब करिकुलर की बुक्स चल रही थी, और अब ये इस गवर्नमेंट के इस इकदाम से बहुत ज़बरदस्त बच्चों को फ़ायदा हुआ है कि तमाम स्कूल्स में एक जैसी ही बुक्स हैं। चले जी, अब हम इसके बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। दो शीट्स आगे पीछे हमने रखनी है, दो शीट्स आगे पीछे रखे बुक्स के। अच्छा जी, ये हमने इसको बैलेंस करते हैं शीट्स को, इसको मैं तीन जगह से स्टेपल करूंगा। कोशिश करते हैं कि ये वाली साइड ऊपर रहे, ये स्टेपल हो गई। अब मैं दरमियान से करूंगा और इसको एंड में तकरीबन, और इसको तकरीबन एंड से करूँगा। ये हमारी तीन स्टेपल्स हो गई हैं, उसके बाद ये देखिएगा तीन स्टेपल्स हो गई हैं एक जैसी। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा शीट्स हैं, इसको कट कर लेंगे। तो कटिंग करते हैं। यही है कि अंदाजन इसकी हम कटिंग कर लेंगे, पहले इसको खोलेंगे और इसकी अंदाजन मसलन इतनी चाहिए हमें, तो इस इसको हम यहाँ से पकड़ लेंगे। ये हाथ से भी पड़ जाती है, बाद लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं इसको फाड़ते हुए। अच्छा, और इसको अंदाजन जो है ना, हाफ आपने इस तरफ लगानी है। हाँ जी, हाफ इस तरफ लगानी है और हाफ उस तरफ लगानी है, ज़्यादा खींचनी नहीं है, बस नॉर्मल सी इसको हम ऐसे कर लेंगे।
ये लें जी, ये हमारी हो जाएगी, ठीक है, ये टेप लग गई। अब इसके जो एक्स्ट्रा हैं वो हम इसके काट देंगे। ये हमारी एक बुक बाइंडिंग हो गई है, ये देखें कितने आराम से, प्यार से और बहुत ज़बरदस्त बाइंड हो गई है। इसके हम कॉर्नर भी बना सकते हैं, कॉर्नर भी बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आपको मैं दो कॉर्नर्स बना के दिखा देता हूँ, तकरीबन एक चौकोर पीस लेंगे टेप का, ये देखें हमने चौकोर पीस लिए, इस कॉर्नर में रखना है, ऊपर वाली साइड पे इसको पेस्ट करेंगे और इस तरह इसको बेंड कर देंगे अंदर की तरफ। अच्छा, ये कॉर्नर क्यों बनाते हैं? कॉर्नर बनाते हैं जरा इसकी सिक्योरिटी हो जाती है, सिक्योर हो जाता है और इसके जो बच्चों के चुभने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह हम कॉर्नर्स भी बना सकते हैं। और एक और तरीका भी होता है, एक तो हम ऐसे कॉर्नर बनाते हैं, एक इसके साथ यानी कि जो इसका फर्स्ट पेज होता है इसके साथ भी बाइंड कर सकते हैं, उसके साथ बनाए हम, क्योंकि उसके साथ भी टेपिंग कर सकते हैं। एक और लेते हैं हम, ऐसे बैंड करेंगे अंदर की तरफ, बैंड करके मोड़ लेंगे। तो जनाब ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी बाइंडिंग बन जाती है, इसका कॉर्नर बन जाता है। इसकी फाइन कटिंग करने के बाद ही ये ज़बरदस्त हो सकता है। ये देखें, ये भी हमने कॉर्नर बनाया, ऐसे भी बना सकते हैं सिंगल इसके साथ और इसके साथ ऐसे करके भी हम बाइंडिंग बना सकते हैं। तो ये हमारे कॉर्नर्स बन जाते हैं। ये चीज़ हमें जो कॉस्ट पड़ी है, 90 रुपये की टेप है और 5 रुपये की ये शीट है। अगर 10 किताबें भी हों तो 10 किताबों में आराम से खुल के ये शीट टेप लग सकती है। 90 रुपीज़ ये और 50 रुपये की शीट्स, तो ये हमारे 140 रुपये बनते हैं। 140 रुपये में अगर हम ये 10 किताबें अगर बाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये 14 रुपये की बाइंडिंग होती है। और यही चीज़ बाज़ार वाले जो हैं वो 30 रुपये भी ले रहे हैं, 40 रुपये भी एक किताब का ले रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर यही है कि आप घर में लाएं टेप और घर में लाएं ये शीट्स और ख़ुद बच्चों की किताबें बाइंडिंग करें। इससे बच्चे भी महसूस होंगे और एक छोटी सी एक्टिविटी भी हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नई एक्टिविटीज़ के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम बुक्स बाइंड करते हैं उतनी देर तक, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन का। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी क्लिक करें। अब घंटी वीडियो